My precious friend. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God is a God of compassion. परमेश्वर करुणा का परमेश्वर है. I know He's moved with compassion for you. मैं जानता हूँ कि उसने आपके ऊपर में करुणा की है. In Isaiah 58 and verse 9. यशायाह अध्याय 58 वचन 9 में. The Scripture says. ये वचन कहता है. You will cry for help. तब तू पुकारेगा या मदद मांगेगा. And the Lord will say, Here am I. और यहोवा उत्तर देगा कि मैं यहाँ. Here am I. मैं यहाँ हूँ. I am a very present help for you in times of trouble. संकट के समय में सहजता से बहुत ही जल्दी मिलने वाली सहायता मैं तुम्हारे लिए हूँ. The verse says, You will call and the Lord will answer. वचन ये कहता है कि जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा. Today God is hearing your cry. आज परमेश्वर आपकी पुकार को सुन रहे हैं. Your cry for Jesus. यीशु के लिए जो आपकी पुकार है. Maybe you say, I don't feel the presence of Jesus. शायद आप ये कह रहे हैं कि मैं यीशु की उपस्थिति महसूस नहीं कर सकता. I want to know Jesus. मैं यीशु को जानना चाहता हूँ. That was the prayer of Paul. यही तो पौलुस की प्रार्थना थी. In Philippians 3:10. फिलिप्पियों 3:10 में. He says, I must know him. वो कहता है कि मैं उसे जानूं. I must know the fellowship of his suffering. और मैं उसके दुखों के संगति को जानूं. I must know the power of the resurrection of Jesus. और मैं यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं. In the midst of the sufferings that you're going through, maybe you're crying. I must know the sufferings of Jesus. आप जैसे दुखों में से होकर जा रहे हैं, शायद आप पुकार रहे होंगे कि मुझे भी यीशु के दुख को जानना है. So that I'll not complain. ताकि मैं शिकायत न करूं. I will say, let thy will be done, Lord. परमेश्वर कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो. And by trusting in the Lord, I will come out of my misery and sorrows. कहता है कि तो प्रभु तुझ पर भरोसा करने के द्वारा मैं अपने दुख से और अपने क्लेश से बाहर आऊंगा. Yes, your cry saying, I must know Jesus will be heard by him. आपकी जो पुकार है कि मुझे यीशु को जानना है, ये उसके द्वारा सुनी जाएगी. He will come to you. और वो आपके पास आएंगे. And he says, I am with you, my child. और वो कहते हैं कि मेरी संतान, मैं तेरे साथ हूँ. And he will give you an answer. और वो आपको उत्तर देगा. May this grace come upon you right now in Jesus name. और ये अनुग्रह आपके ऊपर अभी इस समय आए यीशु के नाम में. There is a sister called Lily. एक बहन है जिनका नाम है लिली. Lily, you are in the sick bed. लिली, आप बीमारी के बिस्तर पर पड़ी. And you have been righteous before God. आप परमेश्वर के सामने धर्मी हैं. Righteous in everything that you have done. आपने जो कुछ भी किया उसमें आप धर्मी हैं. You are wearing a light color sari, whitish sari with a blue border. आप एक सफेद रंग की, हल्के रंग की साड़ी आप पहने जिसकी बॉर्डर नीले रंग की. Jesus knows your agony, sister. बहन, यीशु आपकी पीड़ा को जानते हैं. Now he is coming to you. अब वो आपके पास में आते हैं. You are saying nobody else, nothing else but Jesus can satisfy me. आप ये कह रहे हैं कि और कुछ नहीं और कोई नहीं, लेकिन केवल यीशु ही मुझे संतुष्ट कर सकते हैं. The Lord is coming to you. और प्रभु आपके पास आ रहे हैं. Lily, experience Jesus. लिली, यीशु का अनुभव कीजिए. Let the power of his Holy Spirit fill you with his abundant joy of his presence. उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको उसकी उपस्थिति के महान आनंद से भर दे. Everyone who is longing for Jesus, receive him right now. हर एक व्यक्ति जो यीशु के लिए कामना रखता है, उसकी लालसा रखता है, उसे अभी ले ले. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you for coming to us. हमारे पास आने के लिए धन्यवाद. And answering us now. और आप हमें अभी उत्तर दे रहे हैं. And again the Bible says. और फिर से बाइबल ये कहती है. In Psalm 34 and verse 17. भजन संहिता 34 वचन 17 में. The righteous cries out. धर्मी दोहाई देते हैं. And the Lord hears them. और यहोवा सुनता है. Many times we think the righteous will be happy, rejoicing all the time. कई बार हम ये सोचते हैं कि धर्मी लोग जो है वो तो हमेशा खुश रहते हैं, हर समय आनंद मनाते हैं. But the righteous have to go through tears. लेकिन धर्मी जन को आंसू बहाते हुए जाना पड़ता है. Through their tears only their righteousness will go forth out of them into this wicked world. And bring the salvation of Christ. उनके आंसुओं के द्वारा ही धर्मी जो व्यक्ति इस दुष्ट संसार में जाता है और उनके जीवन में उद्धार लेकर आता है. Read Jonah 2:2. योना 2:2 पढ़िए. In the NLT version of the Bible. ये बाइबल के NLT वर्जन में पढ़िए. Yes,
He disobeyed God, though he was a righteous prophet of God. हालांकि वो परमेश्वर का धर्मी भविष्यवक्ता था, लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञा भंग की. And he had to end up in the belly of a fish, which God sent to protect him in the midst of the seas. और आखिरकार परमेश्वर ने उसे मछली के पेट में रखा ताकि उस समुद्र के बीच में उसकी वो सुरक्षा कर सके. Then he cries out from the belly of the whale. और फिर वो उस मछली के पेट में से पुकारने लगता है. I am in trouble, Lord. कहता है मैं संकट में पड़ा हुआ. I am in trouble. मैं संकट में पड़ा. I have disobeyed you. मैंने परमेश्वर की आज्ञा भंग की है. Help me. मेरी मदद कर. Help me. मेरी मदद कर. God was moved with compassion. परमेश्वर ने उसके ऊपर तरस खाया. Came. Why? And made the fish. Vomit him out into the dry land. ऐसा किया कि वो मछली ने उसे सूखी भूमि पर उगल दिया. And the grace of God continued. और परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा. Through him, a whole nation was saved and turned to God. और उसके द्वारा एक पूरा देश बचाया गया और वो परमेश्वर की ओर फिरे. God heard him in his trouble. परमेश्वर ने उसकी मुश्किल के समय, संकट के समय उसकी सुनी. And answered his cry. और उसकी पुकार का उत्तर दिया. He'll do that for you. वो आपके लिए भी ऐसा ही करे. And when the widows and the orphans cry, as you read in Exodus 22:23. जैसे कि आप निर्गमन 22:23 में पढ़ते हैं कि जब विधवा और जो अनाथ बालक जो है उनको वो पुकारते हैं. The Lord says, I will certainly hear their cry. तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा. Maybe you are a widow. शायद आप एक विधवा हो. You're an orphan. शायद आप एक अनाथ हो. The Lord hears your cry. परमेश्वर आपकी पुकार को सुनते. Surely he'll be a father to you. निश्चय ही वो आपके लिए पिता होंगे. He's a father to the fatherless. वो तो अनाथों का पिता है. He will build your life. वो आपके जीवन को बनाएगा. He will prosper. वो आपको संपन्न करेगा. He will give you a future. वो आपको भविष्य देगा. The Lord is coming to you. परमेश्वर आपके पास आ रहे हैं. To answer your cry. कि आपकी पुकार को उत्तर दे. Bless thy children, Lord. प्रभु अपनी संतानों को आशीष दीजिए. Bless the righteous. धर्मी लोगों को आशीष दीजिए. Bless the widows and orphans. विधवाओं और अनाथों को आशीष दीजिए. And answer their cry. और इनकी पुकार का उत्तर दीजिए. Give them a beautiful future. इन्हें सुंदर भविष्य दीजिए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दें.